एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस टू वाई का मान बताना है, देखिए ध्यान से, जबकि टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस चार वाई का मान दे रखा है तीन। ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, पहले x और y का एक संबंध निकालेंगे। x y का संबंध निकालने के टाइम पे क्या होगा, देखो ये बटे में है, इधर जाएगा गुणा में, तो यहां क्या बन गया 2x plus y बराबर में चला गया 3 की गुणा में 3x plus 3 चौक 12y। y को एक तरफ रखो, ये रहा y, उधर से लाएंगे तो माइनस 12y बराबर 3x माइनस 2x, तो यहां क्या हो गया माइनस 11y बराबर x, x का मान माइनस 11y है, जिसका मान चाहिए अब उसमें इसको रख दो, x को x ही रखेंगे, y को क्या रखेंगे बच्चों, नहीं x को माइनस 11y रखेंगे क्योंकि x का मान निकल के आया माइनस 11y, तो x की जगह रखो माइनस 11y और एक प्लस का y, यहां x की जगह माइनस 11y और प्लस का 2y, ऊपर 11y में से एक y जाएगा तो माइनस का 10y और नीचे माइनस का 9y, y से y कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 10/9 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, ये देखिए a प्लस बी माइनस सी प्लस डी का होल वर्ग माइनस a माइनस बी प्लस सी माइनस डी का होल वर्ग का मान ज्ञात करना है। ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करते हैं, अब ऐसी कंडीशन देखिए, a प्लस बी माइनस सी प्लस डी, चार जो लेटर हैं मतलब हम वेरिएबल कह सकते हैं, उनके पूर्ण वर्ग का कोई हमें फॉर्मूला तो पता नहीं है। जब पूरा फॉर्मूला नहीं पता है तब क्या करना है, इस पूरी संख्या को कोई एक मान लो, मान लो ये x है और इस पूरी संख्या को मान लो y, ये y है बच्चों, इस पूरी संख्या का क्या है वर्ग और इसका भी क्या है वर्ग, a का वर्ग माइनस b का वर्ग क्या होता है, a प्लस बी गुणा में a माइनस बी। देखिए ध्यान से, इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों को एक बार तो हमें करना है एड और एक बार करना है सब्ट्रैक्ट, और दोनों को कर दो मल्टीप्लाई, आपका आंसर आ जाएगा। अब क्या है, इनको दोनों को ऐड करना है, एक बार ऐड करेंगे तो देखिए a और a ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 2a, b और b ऐड होगा तो कट जाएंगे, c माइनस का है प्लस का है कट जाएंगे, d प्लस का और माइनस का कट जाएंगे, तो पहले वाले a प्लस b से तो खाली 2a आया ब्रैकेट, अब करना है माइनस a माइनस a, a माइनस a जीरो, यहां आएगा b माइनस माइनस प्लस बी हो जाएगा 2b, ऐसे ही माइनस सी और ये माइनस सी, माइनस का 2c हो जाएगा, d और माइनस माइनस प्लस d 2d हो जाएगा, तो ये क्या बन गया 2b माइनस 2c और प्लस का 2d, 2 इसमें से कॉमन ले लो, 2 इसमें से कॉमन ले लो, ब्रैकेट में यहां क्या बचा है a, a को भी इनके साथ ही ले लो, 2 into 2 into a, ब्रैकेट में यहां बचा b माइनस सी प्लस डी, तो 4a b प्लस d कह सकते हैं, जो कि ऑप्शन 4 में है, 3 मार्च 2020 का क्वेश्चन है, SSC CGL Tier 1। ठीक है बच्चों, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो।